नमस्कार, मैं कोमल ठाकुर, स्वागत है आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों पर। पानी की समस्या को लेकर जल संस्थान में लोगों का प्रदर्शन। राजधानी देहरादून में बढ़ती गर्मी के साथ साथ पानी की समस्या भी सामने आ रही है। नगर निगम के वार्ड नंबर 4 की स्थानीय जनता पानी की समस्या से परेशान है। इसको लेकर स्थानीय लोग उत्तराखंड जल संस्थान के दफ्तर पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर की। क्षेत्र की पूर्व पार्षद उर्मिला थापा के नेतृत्व में लोगों ने पानी की समस्या को लेकर अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि यदि हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम कल से जल संस्थान में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। साथ ही जल संस्थान के अधिशासी अभियंता संजय सिंह ने बताया कि इस समय गर्मी ज्यादा हो रही है, जिसके कारण जल स्रोतों में पानी काफी कम हो गया है। पहले 15 MLD पानी की सप्लाई की जाती थी, लेकिन अब ये घटकर 5 MLD हो गई है, जिससे पानी की समस्या बढ़ गई है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिन जगहों में पानी की ज्यादा समस्या है, जल संस्थान टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, लगातार टैंकरों से पानी की सप्लाई जारी रहेगी। हमने 15 दिन पहले पूरे शहर को लेके महाप्रबंधक जी के यहाँ सूर्यकांत दसवाना जी के नेतृत्व में किया था प्रदर्शन, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। अभी मैं वार्ड नंबर 4 से निवर्तमान पार्षद भी हूँ और महानगर महिला अध्यक्ष भी हूँ। उसके नेतृत्व में हमने आज पूरा राजपुर में, जहाँ से कि पानी पूरी सप्लाई जारी है, वहां जहाँ 4 मंजिल में पानी बगैर मोटर के चलता था, वहां आज 1 मंजिल में भी पानी नहीं आ रहा है। ग्राउंड फ्लोर में तक लोगों को पानी पीने के लिए नहीं है। ढाकपट्टी गांव, जहाँ की टंकियां ओवरफ्लो होके वॉल खराब हो जाया करते थे, और किशनपुर, कैनाल रोड, गब्बर सिंह बस्ती, काठगुंडा बस्ती, जो कि पहाड़ में बिल्कुल चट्टान में 64 घर बसे हुए हैं, उन 64 घरों का पाइप बार बार टूटता है। क्या जल संस्थान के पास ऐसे कोई साधन नहीं है कि वो उसका परमानेंट कोई सोल्यूशन निकाल सके? पानी की समस्या इतनी जर्जर हो गई थी कि 3 तारीख से काठबंगला की कुछ क्षेत्र है जहाँ पानी नहीं आया है। बस्ती में गब्बर सिंह बस्ती के आधा क्षेत्र में पानी नहीं आता है। इनको वहां पानी नहीं दिखाई देता। मैंने साल भर पहले से इन्हें NOC नगर निगम से ट्यूबवेल के लिए दिलाई हुई है, लेकिन उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो 1 साल के अंदर कोई भी ट्यूबवेल, क्यों आज तक राजपुर वार्ड नंबर 4 में एक भी ट्यूबवेल की व्यवस्था नहीं है, जबकि मकान 4 गुना बढ़ गए हैं। तो जब जल संस्थान अपना कोई प्रयास नहीं करेगा, मेरे पूर्व में कई लेटर गए हैं, हमारे जल स्रोत हैं, उन जल स्रोत का कोई दोहन नहीं हो रहा है। किसी तरह से पानी को, जो हमारे पास पानी है, उसको भी ये संचित नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे क्षेत्र की समस्या दूर हो। तो और समस्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही, जबकि पानी हमारे वार्ड से आ रहा है और हमारे वार्ड नंबर 4 राजपुर के लिए पानी की समस्या है। और 12 महीने रहती है, कई क्षेत्र ऐसे जिसमें 12 महीने रहती है, जिसमें बरसात में भी पानी की समस्या रहती है। तो कुछ ना कुछ कमी इनकी है, कुछ ना कुछ लाइन में फॉल्ट जल संस्थान का है। कुछ अमृत योजना ने पूरे वार्ड को इतना बर्बाद कर दिया कि अमृत योजना जो है आज के समय में हमारे लिए एक जहर योजना बन गई है। इसकी वजह जो मैंने अभी आपको बताया, जो हमारा सोर्स है ऊपर शिखर फॉल, वहाँ पे सोर्स पे पानी बरसात में आने के कारण, बारिश न होने के कारण पानी वहाँ पे घट चुका है। तो जो ये पानी पहले हमें 15 MLD मिलता था, वह मात्र 10 MLD मिल रहा है। तो 5 MLD तो हमें यहीं से कमी हो पा रही है, और जो बाकी जो ट्यूबवेल के जो डिस्चार्ज का जो लेवल है वो भी डाउन जा चुका है, जिससे कि पानी हमें प्रॉपर मिल नहीं रहा है। कितना ग्राउंड लेवल पानी होना चाहिए था जिससे आपको मिल पाता, अब कितना चला गया आपने देखा? अभी जो हमारा यहाँ पे SGRR में ट्यूबवेल है, करीब 1200 LPM पहले हमें उसे पानी मिल रहा था, आज के टाइम पे 700 LPM में उसे पानी मिल रहा, 500 LPM पानी उसमें कम हो चुका है, ग्राउंड वाटर नीचे चला गया है। अच्छा, एक आपने कॉल पर, ये सेंसाई में जो फिल्टर प्लांट है 15 MLD कैपेसिटी का है वो, लेकिन आज के टाइम पे सोर्स में पानी कम हो जाने के कारण, जो ऊपर शिखर फॉल मौसी फॉल से जो पानी आता है, वो पानी कम हो जाने के कारण हमें 5 MLD यानी 50 लाख लीटर पानी पर डे कम मिल रहा है, मात्र हमें 10 लाख लीटर पानी ही मिल रहा है, 10 MLD पानी मिल पा रहा है, जिससे कि ये किशनपुर से ऊपर, किशनपुर, काठबंगला और साईं मंदिर वाला एरिया, इस एरिया में थोड़ा पानी की दिक्कत चल रही है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए हमने ये सिस्टम बनाया कि हमने 1 टाइम सप्लाई की है, अभी तक 2 टाइम सप्लाई कर रहे थे हम सुबह शाम को, क्योंकि पानी कम हो चुका है, अब हम 1 टाइम सप्लाई कर रहे हैं। उससे हो क्या रहा है कि लास्ट के छोर पे पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसके लिए हम वहाँ पे टैंकरों द्वारा जलापूर्ति करते हैं,
जहाँ 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 दिक्कत आ रही है वहाँ हम टैंकर भेज रहे हैं वहाँ पे। इसके अलावा कुछ क्षेत्र हमारे ऐसे भी हैं जहाँ पे हमारे ट्यूबवेल के भी डिस्चार्ज कम हुए हैं, जैसे हमारा सहसधार रोड पे SGRR का ट्यूबवेल है, उसका डिस्चार्ज भी कम हो चुका है। तो डिस्चार्ज कम होने के कारण हमारे टैंक प्रॉपर भर नहीं पाते हैं और उससे लास्ट इन तक पानी पहुँच नहीं पाता है। तो मेनली हमारा ये राजपुर रोड है, थोड़ा सहसधार रोड वाला एरिया है। बाकी IT पार्क वाले एरिया में तो ऑलरेडी से वहाँ पे तो ट्यूबवेल ही कम है, क्योंकि वहाँ पूरा ग्राउंड जो पानी का लेवल हुआ लेवल वहाँ पे है नहीं, जो अंडरग्राउंड लेवल बहुत कम है वहाँ पे, तो वहाँ पे तो हमेशा थोड़ा दिक्कत बनी रहती है, वहाँ पे हम टैंकर से ही भेजते हैं।